जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अपडेट सामने आई थी कि सचिन तेंदुलकर कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। ऐसे में दोस्तों फैंस सोशल मीडिया पर लगातार इनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम के बाद अब पूर्व पाक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी सचिन तेंदुलकर के जल्द से ठीक होने की कामना करते हुए उन्हें एक स्पेशल मैसेज भेजा है, जहां पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि सचिन तेंदुलकर कोरोना से मजबूत रिकवरी करेंगे। इससे पहले वसीम अकरम ने भी सचिन के जल्द से जल्द सेहतमंद होने की दुआ मांगी थी। बता दें दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने सचिन तेंदुलकर के लिए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि लीजेंड, तुम्हें जल्द ही सेहतमंद होने के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम। इसमें कोई शक नहीं कि तुम कोरोना से जल्द रिकवरी कर लोगे। तुम कम समय के लिए ही हॉस्पिटल में रहो और उससे जल्दी ही स्वस्थ हो जाओ। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले वसीम अकरम ने सचिन तेंदुलकर की सेहत के लिए सलामती की दुआ करते हुए उनके डेब्यू मैच को याद किया था। अकरम ने लिखा था दोस्तों एक खास अंदाज में, उन्होंने लिखा कि जिस अंदाज में आपने उस 16 वर्ष की छोटी उम्र में बड़े बड़े धुरंधरों को छक्के छुड़ा दिए थे, उसी तरह कोविड को भी बाउंड्री पार भेजेंगे और जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे। बता दें दोस्तों, बीते शुक्रवार को ही सचिन तेंदुलकर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी थी सोशल मीडिया के जरिए एक ट्वीट करते हुए। बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर वह हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। वह हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।